दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने हाल ही में हुए शिक्षकों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और शिक्षा निदेशक को सलाह दी है कि ट्रांसफर की प्रक्रिया में ईमानदारी बरती जाए। दरअसल हाल ही में दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ा रहे 5,000 शिक्षकों के ट्रांसफर का आदेश जारी किया गया था। ये वो शिक्षक थे जो एक ही स्कूल में 10 साल से पढ़ा रहे थे। उपराज्यपाल के इस फैसले का दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी ने विरोध किया। उन्होंने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर इस आदेश को तुरंत रद्द करने की मांग की थी। आतिशी ने अधिकारियों पर ट्रांसफर मामले में भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए थे और इसके बाद उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने जांच की और शिक्षकों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी। मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी को और उनके एलजी साहब को इन 5,000 टीचर्स के ट्रांसफर ऑर्डर को वापस लेना पड़ा है। ये ना सिर्फ दिल्ली के शिक्षकों की जीत है, पेरेंट्स की जीत है, ये दिल्ली वालों की जीत है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को यह पता चल गया है कि अगर वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों से छेड़छाड़ करेंगे, अगर वो दिल्ली की शिक्षा क्रांति को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो दिल्ली वाले उसका विरोध करेंगे, आम आदमी पार्टी उसका विरोध करेगी। और दिल्ली के स्कूलों को बर्बाद करने की उनकी जो ये साजिश थी, ये हम सब ने मिलकर इस साजिश को, इस षड्यंत्र को रोक दिया है।